एक जज्बा था, जो जुनून का था, उस इश्क का था, पाकिस्तानियत का जज्बा था, जो 1940 से शुरू हुआ करारदादे पाकिस्तान के बाद, और 7 साल के अंदर अंदर आखिर वो मार्ज़े वजूद में हमने पाकिस्तान को आते हुए देखा, 14th of August 1947, 27th of Ramazan, Jumat Mubarak. Bilkul, that's how a bunch of people were converted into a nation. I think all these qualities put them together. Exactly. Agar hum subcontinent ki abadi dekhe, to definitely it was a bunch of people. Hmm. Though it was a bunch of majority hmm. Muslims ki. Lekin then again it was put into effect aur Pakistan jo hai Marz-e Wajood mein aaya 1947, 14th of August ko. Coming back to the group, we have Dr. Nausheen Hamid Mehraj with us. Dr. Saiba, once again, thank you very much for taking out time. अब आपसे बातों का सिलसिला तो बाकायदा तौर पे स्टार्ट करने का वक्त आ ही गया है. पहले मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती थी, सर अभी हम बात कर रहे थे 47 से लेके अब तक की, 2013 तक की, 66 years. पाकिस्तान का सफर आप कहाँ से शुरू होता देख के, कहाँ तक पहुँचता हुआ देख रही है? एक्चुअली पाकिस्तान का सफर तो मेरा ख्याल है उस वक्त शुरू हो गया था जब अलामा इकबाल ने 1930 में पहली दफ़ा विजुअलाइज किया था कि मुसलमानों को एक अलग स्टेट की जरूरत है. उसके बाद से फिर उसके लिए सबने मिलकर एक जद्दोजहद शुरू की और कायदे आज़म की लीडरशिप में इस गोल को अचीव भी किया, मगर इस गोल को अचीव करने के लिए मुसलमानों को बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी. ख्याल है कि दुनिया भर में इतनी बड़ी माइग्रेशन और विद अ जनरल मैसेकर शायद पाकिस्तान के बनने में हुई. जी बिल्कुल ऐसा हुई, बिल्कुल हकीकत है कि जिस तरह से लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के वो सिर्फ एक चीज़ अपना एक आज़ाद मुल्क हासिल करने, जहाँ पर वो अपने इस्लाम को, क्योंकि इस्लाम के नाम पे ये मुल्क लोगों ने हासिल किया था, और ये मेरा ख्याल है कि एक इतनी बड़ी मोटिवेशन थी कि लोगों ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, सिर्फ इस्लाम के नाम पर अपना सब कुछ छोड़ के वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए. तो सफ़र तो उन्होंने उसी वक्त से शुरू कर दिया था. अगर मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों को जो हक अदा करना चाहिए था अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का, वो हम अदा नहीं कर सके. हमने अब हम पाकिस्तान को किस स्टेज पे देखते हैं, चाहे हम नेशनली इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनली इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आई थिंक जहाँ हमने बहुत कुछ अचीव किया है उससे कम हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, और उसके अलावा हमने उससे बहुत ज़्यादा शायद अचीव करने के हद तक अचीव नहीं किया जो हम कर सकते थे. जी पाकिस्तान वॉज अ कंट्री विद ग्रेट पोटेंशियल. इसके अंदर अल्लाह ताला की मतलब कि हर नेमत मौजूद थी. आप ये देखो कि मलेशिया, उसको भी ब्रिटिश रूल से उन्होंने भी आज़ादी ली थी हमसे 10 years के बाद. जी 47 में मैं तो आपको एक मुस्लिम कंट्री की अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो हम 47 में आए, वो लोग 57 में ब्रिटिश रूल्स ने उनको रिलीज़ किया था, मगर उसके बावजूद वो आज देखें कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए. वो भी हमारी तरह बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री था, मगर उन्होंने जिस तरह से अपने आप को एक इंडस्ट्रियल स्टेट में कन्वर्ट किया और आज वो दुनिया में जिस मकाम पे खड़े हैं, मेरा ख्याल है मुसलमानों के लिए वही एक एग्जाम्पल काफ़ी. आप कोरिया के एग्जाम्पल ले लें. जी अब अगर आप कोरिया की तरफ देखें, वो तमाम पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो पाकिस्तान में बनाई गई थी, जो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होनी थी, वो कोरिया में इंप्लीमेंट भी की गई. कोरिया कहाँ निकल गया, पाकिस्तान कहाँ है. एंड वी आर नेचुरली ब्लेस्ड एज वेल, यू नो, ऑल सीजंस, ऑल काइंड ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशंस, आपकी डिफरेंट मिनरल्स, इन एनी कुछ नहीं है जो मेरे ख्याल से हमारे पास नहीं है. आपके पास सी पोर्ट है, आपको कोई इशूज नहीं. देयर वाज अ टाइम मेरे ख्याल से कि आप सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान उस स्टेज पे पहुंचेगा जहां वो आज खड़ा है. आज न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास, आज हमें एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक पावर है, हमारे पास पानी है, हमारे पास 4 seasons है, एग्रीकल्चरल लैंड है. तो बेटा माउंटेन से लेके तो डेजर्ट्स तक हमारे पास हर चीज़ है, और इन हर चीज़ों का एक अपना एक वैल्यू होती है. नेचुरल गैस के रिजर्वॉयर्स तक बनना शुरू हो चुके हैं. मार्बल अगर आप हमारा देखें तो हमारा मार्बल अकेला ही दुनिया में इस कदर उसकी वैल्यू है कि इंडिया के पास एक दो किस्म का मार्बल है और उनकी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट है कि वो उसको इतना कैश कर रहे हैं, और हमारे पास 14 किस्म के मार्बल्स हैं और सब एक क्वालिटी के, मगर हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही ना. डॉक्टर साहब यही चीज़ें देख के हम लोगों को थोड़ा सा अफसोस का इजहार करना पड़ता है कि क्या आवाम एक तरफ, पॉलिटिशियंस का किरदार एक तरफ. जी बिल्कुल, आप ये देखो ना कि पिछले ये जो हमारे 66 years या 67 years जो गुजरे हैं, इसमें से हमारा मेजर हिस्सा जो है वो मार्शल लॉज और आर्मी के अंडर गुजरा है. चार हम लोग आर्मी गवर्नमेंट्स में से, उनको मार्शल लॉज कह लें या डिक्टेटरशिप कह लें, तो हमने अयूब खान का देखा, हमने ज़ियाउल हक़ का देखा, हमने याहिया खान का देखा, परवेज़ मुशर्रफ़ का देखा. तो दीज थिंग्स दे डोंट लेट योर कंट्री ग्रो. ये जब तक आपके पास सही लीडरशिप नहीं होती, डेमोक्रेसी नहीं होती, इन मार्शल लॉज की वजह से आई थिंक हमें एक तो बहुत बड़ा सेटबैक इनकी वजह से भी आया है.
आप क्या देखती हैं कि इतने 66 ईयर्स में हमें अगर एक डेकेड ऑफ प्रोग्रेस का नाम तो दिया जाता है और उस डेकेड ऑफ प्रोग्रेस का नाम भी मार्शल लॉ को ही दिया जाता है जी. उस वक्त जनरल अयूब खान थे और उस वक्त जो बाहर से जो आते थे सर्वे करने वाले वो कहते थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ग्रो किया है दुनिया की उसमें पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती थी. वाकई वो जो था जी 60s जो था गोल्डन है. मगर फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम सब भी जानते हैं. सारी चीज़ें वापस गवर्नमेंट को दे दी. राइट. बहुत सारी इस तरह की देखिए जैसे कि अब हम बात जरूर करते हैं कि डिक्टेटरशिप के अंडर या मार्शल लॉस पे कह लें जो मर्जी कह लें आम रूल कह लें उसके अंडर जो है मुल्क नहीं ग्रो कर पाते. लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट डेकेड ऑफ प्रोग्रेस एज आई सेड कि वो भी मार्शल लॉ में ही आया था. सो आई थिंक लीडरशिप if it comes from any way and if it is true leadership mera ye khayal hai to there is nothing wrong with it. ha kuch aapki policies zarur matter karti hain aap internationally court ke dekhe hain politically ko dekhe hain achi wo jo true spirit thi leadership ki wo mera khayal hai pakistan ki badkismati rahi hai ki hame wo nahi mil saki. आज तक जो भी लीडर आया उसने मुल्क से ज़्यादा अपने लिए सोचा है कि किस तरीके से वो कितनी देर ज़्यादा से ज़्यादा देर वो अपने सीट को रख सके. राइट नाउ वी कैन नॉट रीलिव द वेरी फीलिंग जो उस वक्त की हमारी लीडरशिप की थी जब 40s में पाकिस्तान बना था. जी एग्जैक्टली 47 और खासतौर पे आप देखिए कि मेरे टीचर हुआ करते थे पाकिस्तान स्टडीज के. ही वाज वन पर्सन हु इज एट दिस टाइम इज 90 प्लस इयर्स ओल्ड एंड ही सेड कि मैं तो प्री पार्टीशन पढ़ाता ही आ रहा हूँ. मैं तब से पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे और कहते मुझसे पूछो पाकिस्तान जब बना था मुझसे पूछो ये नहर नीले रंग की होती थी मैं यहाँ पे आता था बता देते. और वो खुद कहते थे कि आज अगर मैं पाकिस्तान को देखूँ तो मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला की चढ़ाई भी दे गए जो बस अल्लाह ताला ही चला रहा है और वो खत्म नहीं होती. हर कोई आता है खाता चला. अच्छा बिल्कुल खाता चला जाता है. और वही कि यू आई थिंक ऑल यू नीड एट द मोमेंट इज दैट वेरी स्पिरिट व्हिच यू हैड इन 47. एग्जैक्टली. अच्छा आप डॉक्टर साहबा क्योंकि आपका ताल्लुक असेंबली से है पंजाब असेंबली से है जी आप कुछ इस हवाले से भी रोशनी डालिए कि इस वक्त हमारी असेंबलीज में किस किस्म की कानून साजी होने की बहुत अशद ज़रूरत है. हमें किस किस्म की चीज़ों के ऊपर काम करना है प्लानिंग स्ट्रैटेजीज. इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हमें जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा मुल्क नुकसान उठा रहा है वो करप्शन और टेररिज्म है. ठीक है. तो इसके लिए हमें कोई हमारे पास ना अभी तक कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें. होल्डिंग दिस थॉट इस पर बात दोबारा बात करेंगे. फिलहाल हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक है. बिल्कुल कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलेंगे और अगर